जलसा सुन रहे हैं, है कोई नबी का चाहने वाला जो मजमा से खड़ा होकर एक बार नारा लगा दे, है कोई ऐसा यहाँ देखो ऐसा। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए, आप इत्मीनान से बैठिए, जलसा भी आप हुजूर खलीफे नाजुश शरिया हुजूर खलीफे अमीन शरियत दो पीर ने आपको खिलाफत से नवाजा है, उनकी तकरीर सुनकर आपको जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह शानदार खिताब होता है, पूरे हिंदुस्तान में उनकी खिताबत का डंका बज रहा है। आप बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे और हर एक बात को अपने जहन में बसाने की कोशिश करें। मुसलमानों आपसे मैं नारा क्यों लगवाया, नारा में बड़ी ताकत है, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर में बड़ी ताकत है। आप लोग आजकल मोबाइल बहुत देखते हैं और ये बात बहुत चर्चा में है, ये जुमला सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई मजमा से जरूर नारा लगाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया कर्नाटक की धरती है, कर्नाटक की धरती है, बुर्का के खिलाफ आवाज उठ रही है। एक कॉलेज की लड़की है जिसका नाम मुस्कान खातून है, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आज उसको इस्लाम की शेरनी कही जा रही है। वो एक गुमनाम लड़की है, उसको कोई जानता और पहचानता नहीं, आज तक हमने और आपने उसका नाम तक नहीं सुना था, लेकिन कर्नाटक की सरजमीन है एक नौजवान जो है इस्लामी इस्लाम की शहजादी है, एक इस्लाम की बेटी है और ना जाने कितने कुफार मुशरिकीन है, अपने हाथों में भगवा झंडा लहरा रहा है और एक इस्लाम की शहजादी का पीछा कर रहा है और अनाप शनाप नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तनहा लड़की है, वो 50 लड़के हैं, उन तमाम लोगों का जवाब जो उस लड़की ने दिया है आज पूरी दुनिया में उसका चर्चा बन गया है। आखिर क्यों हुआ जब उन लोगों ने उसका पीछा किया है, उस लड़की ने यही कहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। करती है इसीलिए हम लोग आप लोगों से नारे तकबीर जो है लगवाते हैं, नारे रिसालत लगवाते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहलवाते हैं ताकि आप बेदार मग्न रहें और जो भी बात यहां से मिले आप फौरन अपने जहन में नोट करने की कोशिश करें। इसीलिए हम लोग नारा लगवाते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, आपका दिमाग भी बेदार रहता है और आपके नामे आमाल में नेकियों का भी इजाफा होता है। तो आइए यहाँ आए हैं, कुछ समझ कर जाइए, कुछ सीख कर जाइए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ये मदरसा है, मदरसा अहले सुन्नत फैजान इस्लाम गुलजार नगर भट्टा, यही पर ये जलसा मुनाकिद हुआ है। आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहजा कर रहे हैं, हमने कुरान मुकद्दस की बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अब उसका आसान जो है लफ्जों में तर्जमा मुलाहजा करें, फिर मैं अपनी तकरीर जो है इसी मौजू पर कुछ देर करूंगा क्योंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है। आने वाले मेहमान शायर व खतीब मौजूद है, उनका खिताब और उनकी शायरी आपको समाप्त करनी है। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में शायद फरमाता है, हल यस्तविल लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून। इसका सीधा साधा तर्जमा है, हल यस्तविल लदीना यालमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर है।
इसका बिल्कुल साफ लफ्जों में समझिए कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है, यानी अहले इल्म और बे इल्म दोनों बराबर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में फैसला फरमा दिया कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। मतलब ये है कि इल्म वालों की फजीलत है ना जो है ज्यादा है बेइल्म वालों पर। इल्म की बड़ी अहमियत और फजीलत है। आप अंदाजा तो लगाएं, जो सबसे हमारी मुकद्दस किताब है जिसे हम कुरान शरीफ कहते हैं, वो पाकीज़ा किताब जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये ऐसी किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, ये ऐसी बहुत पर मुकद्दस पाकीज़ा किताब और बाबरकत किताब है, ये ऐसी किताब है जिसे हम कुरान शरीफ कहते हैं। जो उसको पढ़ता है वो भी शरीफ हो जाता है, और जब पढ़कर अमल कर लेता है उस अमल करने वाले का कदम जहां पड़ता है वो जगह भी शरीफ हो जाया करती है। दरअसल बिल्लत इस्लाम जा आप अंदाजा तो लगाए कि हम बगदाद शरीफ कहते हैं, क्यों? इसलिए कि हुजूर गौसे आजम ने कुरान को पढ़ा और कुरान पर अमल किया, तो उनका कदम जब बगदाद शरीफ पर पड़ा है तो वह बगदाद पर पड़ा है तो बगदाद शरीफ बन गया है। अब अजमेर शरीफ कहते हैं, खाजा गरीब नवाज ने कुरान मुकद्दस को पढ़ा है और उनके कवानीन पर अमल किया है, तो अजमेर जो था वो अजमेर शरीफ बन गया है। आज जो बरेली शरीफ हम कहते हैं, इमाम अहमद रजा ने कुरान को पढ़ा है, कुरान को समझा है और कुरान पर अमल किया है, जब उनका कदम वहां पर पड़ा है तो बरेली शरीफ बन गया है। हम कछौछा शरीफ कहते हैं, मखदूमे कछौछा ने कुरान को पढ़ा है, कुरान पर अमल किया है और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, तो जब कछौछा की धरती पर उन्होंने कदम रखा है कछौछा शरीफ बन गया है। आइए मैं आपके जहन को कई करो, कैदी को कौन जानता था, लेकिन जब वहां पर एक अल्लाह वाले का कदम पड़ गया है, एक कुरान पर अमल करने वाले का कदम पड़ गया है, तो आचारण ये है हम कैदी नहीं करते हैं बल्कि कैदी शरीफ बनते हैं। सोचिए, कुरान एक ऐसी किताब है कि जो उसको पढ़े और उस पर अमल करे वो तो शरीफ बनता ही है, जहां जाता है उस जगह को भी शरीफ बना देता है। वो कुरान कह रहा है कि जानने वाला और ना जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। कुरान की जब पहली आयत नाज़िल होती है तो उस आयत से भी हमें इल्म का ही पैगाम मिलता है। बीसवें पारे की आयत आपने पढ़ी होगी, इक्रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, हजरत जिब्राइल यही पहली आयत लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे लेकर, और सरकार से उन्होंने यही कहा था, इक्रा ऐ महबूब, आप जो है पढ़िए, इक्रा आप पढ़िए बिस्मी का, अपने रब के, उस रब के नाम पर जिसने पैदा किया। तो पहली आयत भी हमें इल्म का पैगाम दे रही है। मिल्लत इस्लाम जो इल्म की फजीलत इससे बढ़कर और क्या हो सकती है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को पैदा करना चाहा, फरिश्तों से मशवरा किया, आए फरिश्ते मैं जमीन में अपना दाइक बनाने वाला हूँ, अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, फरिश्तों ने जवाब दिया था, या परवरदिगार क्या तू ऐसे इंसान को पैदा करना चाहता है जो जमीन में फसाद फैलाएगा। अल्लाह ने फरमाया था, ऐ फरिश्ते सुनो, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों पर आसमाओं के नाम पेश किए और फरिश्तों से पूछा, बताओ इन आसमाओं के नाम क्या है। फरिश्तों ने कहा, हमें नहीं मालूम, हमें तो इतना ही मालूम है जितना तूने हमें बताया है। फरिश्ते जवाब देने से आजिज रह गए, आसमा के नाम बताने से आजिज रह गए। तब अल्लाह तबारक व तआला ने उन आसमा को यानी चीजों के नाम को आदम अलैहि सलाम पर पेश किया। आदम अलैहि सलाम ने चीजों के नाम बता दिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं जो जानता हूं तो नहीं जानते, लेकिन